नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को हिंदी, सामान्य हिंदी की जानकारी दे रहे हैं। हमारी जो चर्चा थी वह हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पर चल रही थी और संधि के अर्थ और परिभाषा, इस बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हम इसमें स्वर संधि के 5-6 प्रकारों में दीर्घ संधि पर बात कर रहे थे और दीर्घ संधि के विविध उदाहरण और उनका विवेचन कर रहे थे। यह संधि पर हमारा एक तीसरा वीडियो है। हम दीर्घ संधि पर बात कर रहे थे और दीर्घ संधि में पहली बात तो यह है कि जो स्वर संधि है उसमें दो स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि का जो उपभेद है दीर्घ संधि, उसमें जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ रूप बनाते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई आ जाए या अ और अ आ जाए तो वह आ बना लेंगे, तो यह एक प्रकार से स्वर संधि का दीर्घ संधि रूप है। इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे और विविध उदाहरणों की श्रृंखला में हम अ प्लस आ बराबर आ सिर्फ जो बनने वाले शब्द हैं, संधियां हैं, उनका वर्णन हम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, कुश आसन, कुशासन, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है और इसमें अ धन आ बराबर आ बन रहा है, ठीक है। शय का शाह हो गया, कुशासन, इसलिए यह स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि है। फिर उसी प्रकार से विवादास्पद हो जाएगा, विवादास्पद और दीर्घ संधि है। उसी प्रकार से शाक आहारी, शाकारी, स्थान आपन, स्थानापन, स्वर्ग आरोहण, स्वर्गारोहण, जन आदेश, जनादेश, मेघ आच्छन्न, मेघाच्छन्न, पूर्ण प्लस आहुति, पूर्णाहुति, ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और यहाँ पर दीर्घ संधि इसलिए है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम जो ध्वनि है एक वो अ है और दूसरे शब्द का पहला जो स्वर है वो भी स्वर है और इस प्रकार से दोनों मिलकर के आ बनाते हैं और ये दीर्घ संधि के लक्षण हैं। आगे और भी उदाहरण देखिए, सिंह आसन, सिंहासन, गमन आगमन, गमनागमन, हास्य आस्पद, हास्यास्पद, अन्य आश्रित, अन्याश्रित, यहाँ पर य का या हो गया, य का या हो गया, न का ना हो गया, ह का हा हो गया, यानी कि दीर्घ रूप बन गया, स्वर का दीर्घ रूप बन गया। गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, यात आयात, यातायात, लोक आयुक्त, लोकायुक्त, मेघ आलय, मेघालय, ये सारे के सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और
किस शब्द में दीर्घ संधि है ये जानने के लिए हमें उस शब्द को दो टुकड़ों में बांटना है भाषा ज्ञान के आधार पर, जिसकी ये किन किन शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे हास्यास्पद है तो हास्य आस्पद। अब इसमें देख लेंगे कि य के बाद अ और पहले अक्षर का अंतिम अक्षर और दूसरे अक्षर का प्रथम अक्षर दोनों मिलकर किस विकार की उत्पत्ति कर रहे हैं। आ हो रहा है और दोनों स्वर है आ है तो दीर्घ संधि हो गया। इसी तरह से आगे चलिए, भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार, यहाँ पर भी अ प्लस आ बराबर आ। अब ये आ कहाँ पर है, ट में है, टा भ्रष्टाचार। उसी तरह से भय आक्रांत, भयाकार भयाक्रांत, रत्न आकर रत्नाकर, प्राण आयाम प्राणायाम, छात्र आवास छात्रावास, धर्म आत्मा धर्मात्मा, हिम आलय हिमालय, सौभाग्य आकांक्षिणी सौभाग्याकांक्षिणी। सत्य आग्रह सत्याग्रह, मरण आसन मरणासन, फल आहार आहार फलाहार, रस आभास रसाभास, दीप आधार दीपाधार, विजय आकांक्षी विजयाकांक्षी, स्नेह आकांक्षी स्नेहाकांक्षी। ये स्नेहाकांक्षी, यहाँ ह, यहाँ या, यहाँ पा, यहाँ सा और इधर अना और या, ये दीर्घ संधि के लक्षण हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब जो आगे दूसरे उदाहरण हैं दीर्घ संधि के उदाहरण हैं और उसमें क्या हो रहा है, जितने भी उदाहरण आएंगे उसके प्रथम अक्षर का अंतिम जो अक्षर है ध्वनि है ये आ स्वर होगा और प्रथम द्वितीय शब्द है उसका प्रथम जो अक्षर है वो अ होगा और ये दोनों मिला करके आ बना रहे हैं, इसलिए ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि है। पहली बात तो यही, स्वर में विकार आ रहा है इसलिए स्वर संधि है और दोनों मिला करके दीर्घ संधि दीर्घ स्वर बना रहे हैं, दीर्घ रूप बना रहे हैं इसलिए दीर्घ संधि है। तो देखिए, पूरा अवशेष पुरावशेष, मुक्ता अवली मुक्तावली, निशा अंत निशांत, यहाँ क्या है निशा में आ और अंत में अ और ये क्या बना रहा है निशांत। पुरा अवतंस पुरावतंस प्राचीन, द्राक्षा अरिष्ठ द्राक्षारिष्ठ, तथा अपि तथापि, द्वारका अधीश द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश। चलिए आगे हम उदाहरण देखते हैं और भी। क्रियान्वयन क्रियान्वयन, विद्या अर्जन विद्यार्जन, सत्ता अंतरण सत्तांतरण, महा अमात्य महात्मे, महामात्य महा अमात्य महामात्य, द्राक्षा अवलेह द्राक्षावलेह, और दूसरा उदाहरण है दीक्षा अंत दीक्षांत। इन सब के अंदर आ धन अ बराबर आ बन रहा है, इसलिए यह स्वर संधि की का जो
उपभेद है दीर्घ संधि, उसके उदाहरण है। क्योंकि जिस स्वर का निर्माण हो रहा है विकार स्वरूप, वह दीर्घ रूप है। आगे देखिए, अब यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम और अंतिम शब्द का प्रथम दोनों मिलकर के, दोनों दीर्घ है और दीर्घ का ही निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे उदाहरण भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए प्रेक्षा आगार प्रेक्षागार, इसमें आ प्रेक्षा में आ, धन आगार में आ, तो ये क्या हो रहा है प्रेक्षागार। फिर है श्रद्धा आलू श्रद्धालु, स्वेच्छा आचार स्वेच्छाचार, कारा आगार कारागार, और द्राक्षा आसव द्राक्षासव, भाषा अबद्ध भाषाबद्ध भाषा आबद्ध भाषाबद्ध, वार्ता आलाप वार्तालाप, चिकित्सालय चिकित्सा प्लस आलय, दया प्लस आनंद दयानंद। ये सारे के सारे उदाहरण हैं और दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आगे देखें दूसरे उदाहरण, देखिए प्रेरणा आस्पद प्रेरणास्पद, निशा आगमन निशागमन, क्योंकि यहाँ पर भी आ और आ है और आ बन रहा है, तो ये हो गया निशागमन निशानन। और ये है कारा आवास कारावास, क्रिया आत्मक क्रियात्मक, कृपा आकांक्षी कृपाकांक्षी, महाआशय महाशय, महा प्लस आशय इसका हो जाएगा महाशय, और विद्या आलय विद्यालय, चिंता आतुर चिंतातुर, चिंता धन आतुर बराबर चिंतातुर, फिर शंका आलू शंकालु। ये सारे के सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और यहाँ पर प्रथम अक्षर भी दीर्घ है, मतलब प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह दीर्घ है, और जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम स्वर अक्षर भी दीर्घ है, और दोनों मिलकर के दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए स्वर संधि है और दीर्घ संधि है। चलिए आगे देखते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से संधि एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, और विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी गंभीरतापूर्वक संधियों को अगर समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से वह जो भी कोई संधि से संबंधित प्रश्न होगा उसमें वह पूरी तरह से सफलता प्राप्त करेगा। तो आगे के उदाहरण देखिए, यहाँ पर है छोटी ई और बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनती है। ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं, और चूंकि दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं इसलिए दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं या विकार स्वरूप दीर्घ स्वर बन रहा है तो वहाँ पर दीर्घ संधि है। तो देखिए प्राप्ति इच्छा प्राप्तिच्छा, तो यहाँ पर ई छोटी ई है और छोटी ई है, तो क्या बन रही है बड़ी बन रही है प्राप्ति इच्छा। फिर है दूसरा उदाहरण है अति इंद्रिय, यहाँ पर भी छोटी ई
ये जो सारे के सारे उदाहरण हैं ये छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई के हैं। तो देखिए, अतीन्द्रिय अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय, प्रति इत प्रतीत, गिरि इंद्रिय इंद्र, गिरीन्द्र रवि इंद्र रविंद्र, मणि इंद्र मणिंद्र, कवि इंद्र कविंद्र, मुनि इंद्र मुनिंद्र मुनिंद्र। योगिन इंद्र योगिंद्र, न का लोप। फिर अति इत अतीत, अति इव अतीव, प्रति इक प्रतीक, हरि इच्छा हरिच्छा, अभि इष्ट अभीष्ट, अधि इन अधीन। इन सब के अंदर दीर्घ ई, ई का जो दीर्घ रूप है वो बन रहा है। और वो कैसे बन रहा है? छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, यही इसके संधि होने का प्रमाण है। विकार उत्पन्न हो रहा है और नया स्वर बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। दीर्घ स्वर बन रहा है, दो स्वर मिल रहे हैं और उनके मिलने से दीर्घ स्वर बन रहा है, इसलिए स्वर संधि है और इसीलिए दीर्घ संधि है। फिर देखिए, छोटी ई प्लस बड़ी ई के उदाहरण है और बड़ी ई बन रही है। योगिन ईश्वर योगीश्वर, न का यहाँ पर लोप होने के बाद हम इसे ई का उदाहरण मानेंगे। फिर है अभीप्सा अभीप्सा, परीक्षित परीक्षित, अधीक्षक अधीक्षक, अधीक्षण अधीक्षण, और वारी ईश वारिश, समुद्र, जिसका अर्थ होता है समुद्र। फिर है प्रतीक्षा प्रतीक्षा। आगे उदाहरण देखिए, हरि ईश हरीश, प्रतीक्षित प्रतीक्षित, परीक्षक परीक्षक, परीक्षण परीक्षण, वीक्षण वीक्षण, परीक्षा परीक्षा, और फिर गिरि ईश गिरीश। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे शब्द हैं ये स्वर संधि के उदाहरण हैं, और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के उदाहरण इसलिए हैं क्योंकि इसका प्रथम शब्द का अंतिम जो की जो अंतिम ध्वनि है और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वह स्वर है, और उन दोनों के मिलने से स्वर का ही निर्माण हो रहा है, और इसलिए स्वर संधि है, और दीर्घ रूप हो रहा है इसलिए यह दीर्घ संधि है। आगे देखिए, कपि प्लस ईश कपीश, क्षिति ईश क्षितीश, पृथ्वी के ईश यानी कि राजा। क्षितीश का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के राजा। उसी प्रकार से बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, जहाँ पर बन रही हो यानी कि पहले शब्द का की अंतिम ध्वनि बड़ी ई है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि छोटी ई है, और वो दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर रहा है विकार स्वरूप शब्द के अंदर, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। और इसी के जो ये उदाहरण है आपके सामने, मही इंद्र महेंद्र, शची इंद्र सचिंद्र, और यति धन इंद्र बराबर यतिंद्र। आगे उदाहरण देखिए,
अधि ईश्वर अधीश्वर, मुनि ईश्वर मुनीश्वर, महति इच्छा महतिच्छा, सुधि इंद्र सुधिंद्र अर्थात विद्वान, फणि इंद्र फणींद्र, क्या है फणि इंद्र फणींद्र अर्थात शेषनाग। तो देखिए फणि में बड़ी ई की मात्रा है अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से बड़ी ई बन रही है फणींद्र, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। तो विद्यार्थियों इस चर्चा में हम यहीं तक बात करेंगे, अगली चर्चा में यहीं से शुरू करेंगे। धन्यवाद।